नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी हाजिर हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम खास मेहमान में। आज हमारे साथ है बेहद खास मेहमान, गोवंडी विधानसभा से जो कि विधायक हैं और महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट भी हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो खास मेहमान में। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। पहले तो सर मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपकी तादाद अब 1-2 हो गई है महाराष्ट्र असेंबली में। जैसा कि मैंने आपको लोकल चैनल पे एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात कही थी कि मैं रईस शेख को चुनाव जिता के लाऊंगा। क्या स्ट्रेटेजी थी सर उस समय, आपने नहीं बताया था लेकिन अब शायद आप खुल जाएँ। देख, कुछ लोग और कठुआ होते हैं, जो जैसा मेरे पास 10 किलो दूध है उनके पास एक कतरा नींबू का है। 10 किलो दूध में एक कतरा नींबू का डाल लो तो 10 किलो दूध पूरा बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ एक पार्टी है जो यही काम कर रही थी। मैंने उस पार्टी के साथ बातचीत किया और भिवंडी और गोंडी जहाँ वो जीतते कभी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आउट लेकर के हमारी जो है सीट को बर्बाद कर देते हैं। तो मैंने उनकी सीट जो बाइकल्ला की थी उनको मैंने छोड़ दिया। वो कह रहे थे हमको ये सीट पर आप रईस को मत लड़ाइए, इस सीट पर हम चुन के आ जाएंगे क्योंकि हम वहाँ सीटिंग हैं। मैंने कहा मुबारक हो आपको, लेकिन फिर भी आप चुन के आओगे नहीं, चलो मैं छोड़ देता हूँ सीट, क्योंकि मैं भी चुन के नहीं आ रहा था। तो हमने रईस को वहाँ से हटा दिया, हमने भिवंडी ले गए और भिवंडी में हमारी 1-1 फाइट हुई और हम लोग चुन कर आ गए। इस बेस पे मुझे पूरी उम्मीद थी कि अगर ओटो का डिवीज़न नहीं होगा तो हम ज़रूर चुन के आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम चुन कर आए। ये तो महाराष्ट्र की बात रही, अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहाँ समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षीय दल है। तो अभी कल की बात है, असद ओवैसी 2 दिन पिछले न्यूज़ में आया कि वो आज़म खान से मिलने जेल में जाएंगे, उसके बाद कल अखिलेश यादव उनकी पत्नी से मिलने रामपुर पहुंच जाते हैं। क्या असद ओवैसी की वजह से इतना बड़ा डिसीजन अखिलेश यादव ने लिया? क्योंकि इससे पहले जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया था तो अखिलेश यादव ने ये कहते हुए टाल दिया था कि तुम बहुत छोटे पत्रकार हो। नहीं देखिए, ऐसा है ना कि बीजेपी यही चाहती है कि अखिलेश यादव अग्रेसिव उतरें और उसका फ़ायदा लें। अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं हम सबको मालूम है अच्छी तरह से। इस केस को पूरा का पूरा डील अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये आज असदुद्दीन ओवैसी बड़े करीबी हो गए आज़म भाई मिले जा रहे हैं। ये सब जो है ना, ये लोग चाहते हैं किसी तरह से कहीं ना कहीं आपस में कुछ बिगाड़ बने और इनकी दाल रोटी चले। ये चीज़ें हैं। और ये आपने तो साक्षी महाराज के स्टेटमेंट सुन लिया होगा, आपने बिहार में देख लिया क्या हो रहा है, आपने मुंबई के भिवंडी में आपने देख लिया कैसा काम हम लोगों ने काम किया। तो ये यही काम है कि थोड़ा थोड़ा वोट लो और वोटों का डिवीज़न करो। इस डिवीज़न से फ़ायदा किसको, तो आप अच्छी तरह देख रहे हैं। इस वक्त यह है कि हमें पार्टी नहीं बनाना चाहिए, हमें अपने आप को मजबूत नहीं करना चाहिए, हमें अपनी कम्युनिटी अपने मुल्क को किस तरह से बचाया जा सकता है। हमारी पार्टी छोटी हो जाए चलेगा, हमारा कोई चुन के आए या नहीं आए चलेगा, लेकिन मेरे मुल्क के अंदर मेरा संविधान मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार रहे और इस देश में हिंदू मुस्लिम की एकता अच्छी रहे। जो अहंकारी लोग बैठे हैं आज दिल्ली की गद्दी पर, इनको कैसे उतार के फेंक दिया जाए ये सोचना चाहिए इस वक्त। हम आप सिर्फ जो है हर सीट पर लड़ाइए, आप थोड़ा थोड़ा आउट लीजिए। आप जैसे मैंने कहा 10 किलो दूध है किसी के पास, 2 कतरा नींबू का आप तैयार कर लीजिए और उसको फाड़ दीजिए और आप खुशी मनाइए। ये कोई तरीका है क्या? आपने बिहार का जिक्र किया कि वहाँ पर नुकसान हुआ, तो MIM के जो बैरिस्टर असद ओवैसी साहब अभी आज़मगढ़ गए थे अखिलेश यादव के घर में, बहुत शानदार स्वागत रहा उनका, MIM बहुत खुश नजर आई उससे। तो आप इस बात को तो एग्री करते हैं कि वो नुकसान कर रही है, MIM कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नुकसान कर सकती है? समाजवादी पार्टी का नहीं, बिहार में समाजवादी पार्टी थोड़ी लड़ रही नहीं, मैं आने वाले चुनाव की बात नहीं, नहीं। तो बिहार में समाजवादी पार्टी ने लड़ी, वहाँ नुकसान हुआ, बंगाल में जा रहे हैं नुकसान होगा, महाराष्ट्र में नुकसान होगा, जाए ना उनको मुबारक हो, मैं क्या कर सकता हूँ। तो लेकिन हमें सोचना है कि किसी तरह से इस मुल्क में जो आज हज़ारों साल से हिंदू मुस्लिम की एकता बनी हुई है, जो आज इस मुल्क के अंदर गंगा जामुनी तहजीब है, वो तहजीब ख़त्म ना होने पाए, इसके लिए हमें कुर्बानी देना चाहिए। लेकिन ये ज़बानी लोग बोलते हैं कुर्बानी, पीछे से लोग जो है ना सिर्फ सोचते हैं कि मुझे कहाँ से फ़ायदा हो, मेरी पार्टी कैसे बढ़े, मुझे कैसे माल मिल जाए, ये सोच रहे हैं लोग। इसलिए जो है आज हमारी मुसलमानों की हालत इस मुल्क में ख़राब होती जा रही है। हमें ये सोचना है कुर्बानी लफ्ज़ क्या होता है, सिर्फ ज़बानी नहीं, रियल में कुर्बानी करके बताना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों ने कुर्बानी दिया, कितनी बड़ी कुर्बानी दिया। एक तरफ बड़े बड़े कढ़ाई में तेल रखा रहता था, उसमें फेंक दिया जाता था और कहता था कि तुम अंग्रेज़ों के साथ हो जाओ, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग लो, अंग्रेज़ों का मुखालफत मत करो। लेकिन उस वक्त के हमारे मुजाहदे आज़ादी कहते थे कि नहीं, एक नहीं 10 बार जला दोगे, लेकिन हम अंग्रेज़ तुम्हारे साथ नहीं खड़े रहेंगे। अगर उस वक्त के उलमाए कराम, उस वक्त के लोग मुजाहदे आज़ादी के लोग अंग्रेज़ों को तलवे चाटते तो बड़ी बड़ी कुर्सियों बैठे रहते। आज ये हालत कुछ लोगों की है जो इस मुल्क में कर रहे हैं।
पिछला विधानसभा चुनाव जो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा गया, तो आने वाले चुनाव में क्या ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है, क्या कोई गठबंधन संभव है? देखिए, कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है जी, कांग्रेस में लीडरशिप नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, इसलिए चाहता हूँ कि मेरी समाजवादी पार्टी पूरे देश में नहीं है। नेशनल पार्टी कोई बीजेपी से लड़ने वाली है वो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप खत्म हो गई है। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस से कोई लीडरशिप उभरे। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी नहीं है वहाँ तो मैं कांग्रेस को ही जोड़ दूंगा ना। आज महाराष्ट्र में मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। मैं बीजेपी को कमज़ोर करने के लिए मैं शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के साथ खड़ा हूँ, और बगैर कुछ लिए हुए मैं पिछली लाइन में खड़े होकर उनको मेरे पास जो भी ताकत मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो हमें किसी तरह से फिरका परस्ती को ख़त्म करना है इस देश से। अभी देश के एक बड़े चैनल ने सर्वे कराया जिसमें सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ उभर के आ रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश चुनाव जीतना कितना आसान नजर आ रहा है? मैंने सुना था ये झूठ सर्वे होगा, वो कैसे पसंदीदा हो सकते हैं? नहीं, बहुत बड़े चैनल का सर्वे था, बहुत बड़ा चैनल, सब जो है ना तलवे चाटने वाले चैनल। किसान आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? नहीं देखिए, किसान देखिए ये बात, इस बात को अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि ये किसानों का आंदोलन है ना, किसानों का एहसान है जो आंदोलन कर रहे हैं। ये इस देश के 130 करोड़ की जनता को तकलीफ होने वाली इस कानून से, जब ज़खीरा अंदोजी होगी, लोग सारे अनाज को ख़रीद करके जो बड़े बड़े गोडाउन भर रहे हैं जिसमें रेल की पटरी भी अंदर जा रही है, कई कई लाख टन एक एक जो अदानी और अंबानी और बड़े बड़े लोग ख़रीद लेंगे और बाज़ार में अनाज की कमी हो जाएगी, तो ये जो है जो पूंजीपति लोग हैं इस अनाज को अपने मर्जी से दाम में बेचेंगे, कैसे लोग ख़रीदेंगे? किसानों की खेती को जा करके ले लेंगे, किसान बेचारा परेशान है, बेटी की शादी करना है, बाप का इलाज करना है, बेटे को पैसा पैसा देना, फीस देना पढ़ाई की, उसके पास कुछ है ही नहीं है, तो बेचारा मरता क्या नहीं करता, वो कम पैसे में उससे एग्रीमेंट कर लेगा, ये एक औने पौने दाम में उसकी खेती का जितना अनाज ख़रीद लेंगे। ये देश में ख़त्म होना चाहिए, बिल्कुल मिनिमम प्राइस तय होना चाहिए मजबूती के साथ, उससे कम में किसान से कोई माल खरीदने ना पाए। 3 कानून बनाया मोदी जी ने। देखिए, राजा कभी व्यापारी नहीं होता, ये गुजरात के हैं ना, ये व्यापारी हैं, ये राजा बन गए, अपने व्यापारी हैं। राजा सोचता है कि मेरी जनता कैसे खुश रहे, ये सोचता है कि मैंने जिससे हिडन एग्रीमेंट किया हुआ है कॉरपोरेट से, उसको कैसे बढ़ाऊं? आप निकालिए 2014 के बाद ये कॉरपोरेट की आमदनी कितनी बढ़ती जा रही है, कितनी बढ़ती जा रही है। अपोरी और टपोरी जो है आज क्या बन गए, और गरीब गरीब होता जा रहा है। किसानों का एहसान है, 130 करोड़ की जनता तकलीफ़ में आने वाली है, किसान शहादत का जाम पी रहा है ठंडी में इतने दिनों से। मैं सलूट करता हूँ उन किसानों को कि जो बैठे हुए हैं, पूरे देश के 130 करोड़ जनता को इन किसानों के आंदोलन में पूरी तरह से शामिल हो जाना चाहिए। और मोदी जी को बता दो कि वो अंग्रेज़ जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, पूर्व से पश्चिम तक पूरी दुनिया में हुकूमत थी, इन आंदोलन करके इनको इनकी हुकूमत को भगा दिया, यहाँ से ख़त्म कर दिया, वही लोग आज फिर खड़े हुए हैं। मोदी जी, आपकी हैसियत क्या, आपको किसानों की बात सुनकर के तीनों कानून ख़त्म करना पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो ये 1.5 साल का जो फॉर्मूला था कि 1.5 साल कानून इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, उसके बावजूद 26 तारीख को ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी, किस तरीके से देखें? नहीं, बिल्कुल निकालना चाहिए, ज़बरदस्त निकालना चाहिए, और सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरे देश में निकालना चाहिए, सारी सड़कें जाम कर देना चाहिए ताकि सरकार होश में आ जाए और बातें सुने। गांधी जी ने सिखाया हमको कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आंदोलन ही रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके महत्वपूर्ण समय के लिए। तो ये थे हमारे साथ अबू हाशिम आज़मी, महाराष्ट्र से विधायक है समाजवादी पार्टी के, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। मैं था दीप सिद्दीकी, आप देख रहे थे जिस न्यूज़। धन्यवाद।